गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो से नोटिफाई हो जाओ। तो गाइस आज बात करते हैं हम शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान चिड़ियाघर की। जी हाँ, गोरखपुर जू, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर देता है सुनने पे कि कब है इसकी ओपनिंग। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जू में जो कि है, कोई बताता है मार्च में 3 को ओपनिंग है, कोई 14 को, कोई 20 को। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि आखिर कब है इसकी डेट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही जाके वहाँ एक्सप्लोर करूँ और सच डेट क्या है वो मैं पता करूँ। तो फाइनली मुझे डेट पता चल गई कि अब ये खुलने वाला है 27 मार्च को, जो कि है परसों। तो अगर आप एक्साइटेड हो, एडवेंचर आपको पसंद है, तो प्लीज़ आप जाओ यहाँ, विज़िट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। तो बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स की। तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा के एनिमल्स आ चुके हैं और बहुत सारे अभी आने बाकी हैं। यहाँ पे कानपुर से 50+ उन्होंने एनिमल्स दिए हैं, दिल्ली से 19, बहुत सारे जगहों से, बहुत असम से राइनो आने वाला है ऐसा सुना गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। ये 21.342 एकर्स में बना हुआ ये ज़ू है, जो कि यूपी का सबसे बड़ा, जी हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़ू कहा जा रहा है। और गाइस इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये वीडियो देखने के बाद तो आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा गेट, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये हमारे गोरखपुर की बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारे गोरखपुर में इतना बड़ा ज़ू खुला, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़ू कहा जा रहा है। तो गाइज़, अगर आप गोरखपुर से हो तो प्लीज़ अपनी इस गोरखपुर की बहन को ज़रूर सपोर्ट करो कि वो भी एक अच्छी यूट्यूबर बन सके। तो ये रहा हमारा पटौदी जी, इस शेर का नाम है पटौदी और एक है मरियम। तो इन दोनों की दहाड़ से तो पूरा गोरखपुर हिल सा गया है। तो वी आर जस्ट वेरी एक्साइटेड, और अगर आपको एक्साइटमेंट एडवेंचर पसंद है तो आप ज़रूर जाओ, एक्सप्लोर करो और मुझे ज़रूर बताओ कि कैसा लगा। तो गाइज़, मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे एक इंडोर बटरफ्लाई पार्क भी होने वाला है, विच इज़ वेरी गुड। और उसके साथ साथ एक स्पेशल एडिशन है जो कि है 7D ओपन थिएटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट का सेंटर है। तो चलिए देखते हैं 27 को कि और क्या क्या है उसमें, जो हम लोग को पता भी नहीं है। तो आप भी जो 27 को, मैं भी जाती हूँ, एक्सप्लोर करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।